तो हेलो दोस्तों, अब यहाँ पर आप लोग को जिस चीज़ का इंतजार था वो दूसरा भी लेक्चर भी आ चुका है, जो जहाँ पर आज हम लोग देखने वाले हमारे एक्सरसाइज नंबर 2.2 स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, चार क्वेश्चन को लेंगे और अच्छे तरीके से उस चीज़ को पहले समझेगा। आज हमको जानने को एक नया चीज़ जो हम लोग जिसे प्यार से वेरियंस बुलाते हैं और वेरियंस के आंसर पर निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, ज़रा अच्छे तरीके से ध्यान देना, क्योंकि आगे जाने वाले चैप्टर्स में भी आप लोग को इन चीज़ों का ध्यान मतलब इन चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। और चाहे तो आप लोग 12th 11th 12th में भी आप लोग देखेंगे तो इनके ऊपर कुछ ना कुछ टॉपिक्स आप लोग को मिलने वाला है। तो अच्छे तरीके से इसे यहाँ पर क्लियर करेंगे, बहुत ही आराम से करेंगे, अगर कहीं पर भी कन्फ्यूजन होगा उसे अच्छे तरीके से और समझेंगे और बड़े ही प्यार से फॉर्मुले को पहले लर्न करेंगे। तो आज जानेंगे हम लोग वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। तो जानना है दोस्तों तो बने रहना वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं सब स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल जे आर कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया हो तो 97_ मंसूर पर जाकर आप सिंपली मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये बहुत से डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछना और उसे वहां पर क्लियर करना आसान नहीं होता, आप लोग आपके डाउट मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर करना, मैं वहां पर आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। और एक और चीज मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे वीडियोस आप लोग को ऐसे मिलते रहने चाहिए, टाइम टाइम पर आप लोग को पता चलता रहे कि वीडियो आ गया है। तो आप लोग हमारे जे आर ट्यूटोरियल के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर भी आप लोग को सारी चीजें, और उसका एक ग्रुप भी है तो उसे भी आप ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम पर, तो वहां पर भी आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। एक और चीज, आप लोग चाहे तो इसी चीज के इसी का एक टेलीग्राम चैनल भी है, वहां पर भी आप लोग उसे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि वहां पर भी आप लोग को बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट सबसे पहले मिल जाए। स्टार्ट करता है आज का वीडियो। तो आज का वीडियो टॉपिक क्या है, वेरियंस स्टैंडर्ड डेविएशन लेक्चर नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 2.2, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4, और ये सारे वीडियो चल रहे हैं कॉमर्स के बच्चों के लिए। सबसे पहले यहां पर मैं बताना चाहूंगा वेरियंस क्या होता है। तो वेरियंस मतलब क्या होता है, अभी देखो आपने क्या सीखा, रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन सीखा। तो वो अपने को ना जो भी डेटा रहता है उसको प्रॉपरली किस तरीके से डेटा वेरी करा वो बता नहीं पाता है। तो इसे समझने के लिए हम लोग को वेरियंस को सीखना पड़ता है, मतलब डॉट डेटा जो हमारा गिवन डेटा किस तरीके से किसी मीन के अराउंड में वेरी कर रहा है, तो उसको अपन निकालते हैं वेरियंस की हेल्प से। अब वेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो वेरियंस को सबसे पहले अपन डिनोट करते हैं VAR ऑफ एक्स। और वेरियंस का पहला जो फॉर्मूला आप लोग को समझाना चाहूँ, अगर रॉ डेटा दिया हुआ है, रॉ डेटा मतलब क्या, मान लो कि बहुत सारे क्लास में बच्चे हैं जिनके पास कुछ ना कुछ पैसे, कुछ बच्चों के पास 100, कुछ बच्चों के पास 120, कुछ बच्चों के पास 150, ऐसे करके सबके पास जरूरी नहीं कि एक जैसा पैसा हो। जब भी ऐसे रॉ डेटा दिया रहेगा उसका फॉर्मूला हम लोग का पहले आता है, लेकिन सबसे पहले वेरियंस लिखते हैं कैसे वो समझ लो। वेरियंस को लिखते हैं VAR ऑफ एक्स। अब वेरियंस ऑफ एक्स किसको इक्वल होता है, वो सिग्मा स्क्वायर को इक्वल होता है। तो सिग्मा स्क्वायर जो है ना वेरियंस ऑफ एक्स को डिनोट करता है। अगर रॉ डेटा दिया हुआ है, रॉ डेटा मतलब ऐसा कोई भी डेटा दिया हुआ है, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा, देखो सिंपल सी बात है, वो हो जाएगा 1/n, ठीक है, 1/n, और बाकी ब्रैकेट में क्या होता है, समेशन ऑफ, यहां पर क्या आ जाएगा, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। एक बार देख लो अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा, कहां गया दोस्तों, ये रहा यहां पर, क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब एक्स बार, सॉरी, एक्स आई माइनस एक्स बार, एक बार चेक करो दोस्तों, थोड़ा सा मुझे यहां पर थोड़ा सा यहां पर थोड़ा सा एरर दिख रहा है, क्योंकि एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर नहीं, यहां पर स्क्वायर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये फॉर्मूला प्रॉपरली चेक कर लेंगे हम लोग, यस एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर होगा यहां पर, होल स्क्वायर, वही मैं कह रहा था, यहां पर कुछ तो भी मिसिंग है, ठीक है। तो स्क्वायर होने के बाद यहां पर वही हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट को इस तरीके से आप लोग क्लोज कर सकते हैं। बट इसी फॉर्मूले को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, कैसे, देखो यहां पर ये 1/n मेरा वैसे ही रहेगा, यहां पर क्या हो जाएगा, अब देखो यहां पर मैंने फॉर्मूलेस को आप लोग के लिए पूरे अच्छे तरीके से उतार दिया हुआ, कहीं पर भी गड़बड़ लगे तो दोस्तों चेक कर लेना। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा एक्सपांड करते सॉल्व करते हम लोग को ऐसा मिल जाता है, क्या मिल जाता है, ये हमें ऐसा मिल जाता है, समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर, ठीक है, या ये 1/n इसके साथ माइनस यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स बार का स्क्वायर। तो ये 1/n सिर्फ और सिर्फ इस बार है ना, किसके साथ है, इसके साथ है, उसके साथ नहीं है। तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। तो ये आप लोग को एक ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला रॉ डेटा के लिए आता है। तो रॉ डेटा के दो फॉर्मूले होते हैं, दोनों आपको समझ में आना चाहिए कब कहां पर क्या इस्तेमाल करना। तो क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लेना, दोनों भी करेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आता है जब अपने को ना एक और टाइप आता है, ये रॉ डेटा तो समझ में आ गया, मान लो कि एक और चीज दी है जहां पर हम लोग क्या दिया, वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये अनग्रुप्ड मतलब क्या है, मतलब मान लो कि मेरे पास जब इंटरवल में नहीं दिया हुआ है उसी को बोलेंगे अपन अनग्रुप्ड, मतलब ग्रुप में नहीं है, सिंगल सिंगल किसी की वैल्यू दी हुई है। मतलब मान लो कि मेरे क्लास में एक बच्चा है, मतलब मेरे क्लास में कुछ बच्चे हैं जिनकी हाइट सेम है, जैसे मान लेते हैं मेरे क्लास में कुछ बच्चे जब उनकी हाइट है ना 160 सेंटीमीटर है, मतलब करीब 7 बच्चे, 170 सेंटीमीटर करीब 8 बच्चे हैं। तो इस तरीके से मैंने देखो 160 170 जो पर्टिकुलर डेटा के ऊपर वो जो वैल्यू दी है उसको अनग्रुप कहा जाएगा। ग्रुप डेटा क्या होता है, जहाँ पे मान लें कि मेरे क्लास में कुछ बच्चे जिनकी हाइट 160 से 170 के बीच में आ रही है, वो बच्चे 10 है, 170 से 180 के बीच में आ रहे बच्चे 9 है, तो ऐसे जो जब अपन जब इंटरवल में डिवाइड कर देते हैं वो तो ग्रुप्ड हो जाता है। तो अनग्रुप का फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल सा ये वेरियंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला होगा, सेम फॉर्मूला उसी तरीके से, बस यहाँ पर FI अलग जाता है अलग से।
तो समेशन ऑफ क्या, एफ वाई एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स बार एक्स आई माइनस एक्स बार का यहाँ पर फिर से हो सकता है स्क्वायर हो, एक बार उसे भी चेक कर लेना, यहाँ पर स्क्वायर होता है दोस्तों, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर होता है, ये ध्यान देना। और जब अपन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो अपन इसे ऐसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का स्क्वायर अपॉन में एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब ये n मतलब क्या है, तो n मतलब समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था ना, n जो है ना वही हमारा समेशन ऑफ fi भी है, तो कंफ्यूजन नहीं रखना, समेशन ऑफ fi इज नथिंग बट n। अब अपन x बार को अपन कैसे निकालते हैं, समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi, तो ये लिखा समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi, fi इज नथिंग बट n। और ये क्या है, ये है समेशन ऑफ fi xi का स्क्वायर, ये जो स्क्वायर सिर्फ लगा हुआ है सिर्फ xi के ऊपर लगा हुआ है अपॉन में n, तो हम लोग इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोग ये याद रखें, या फिर n की जगह पे आप लोग सिंपली समेशन ऑफ fi लिख देंगे तो भी चल जाएगा। अब आप लोग को क्वेश्चन में बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को अपन डिनोट करते हैं लेटर सिग्मा के साथ। अब आपको पता है सिग्मा स्क्वायर और वेरिएंस के बीच का रिलेशन था, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स, तो सिग्मा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। और तीसरा फॉर्मूला जो लगने वाला है ग्रुप्ड डेटा में, तो वो भी आप लोग का सेम इसी तरीके से होने वाला, जरा मैं हटा दूं, तो सेम इसी तरीके से होगा, फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं, आप लोग आराम से कर सकते हैं, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आने वाला है। तो पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। पहले याद रखो ग्रुप डेटा, अनग्रुप्ड डेटा, रॉ डेटा, इसे तीन तरीके से अपने को याद रखना है। रॉ में क्या था हमारा वेरिएंस ऑफ एक्स, वो था सिंपल सा समेशन ऑफ क्या था, यहां पर आई इक्वल टू वन से लेकर एन तक था, ये अपॉन में क्या था एन, यहां पर पहला था एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अगर हम लोग को ये नहीं लेना है तो अपन एक और फॉर्मा ले सकते हैं, समेशन ऑफ आई इक्वल टू वन से लेकर एन तक, यहां पर क्या था, यहां पर था क्या था यहां पर एक्स आई, अब यहां पर क्या था वन अपॉन एन माइनस एक्स बार का अलग से स्क्वायर, मतलब ये एवन अपॉन सिर्फ इसके साथ है, एक्स बार अलग हो गया। तो इस तरीके से अपन क्या करते थे, सारी चीजों को समझते थे और वैल्यूज को निकालते थे। तो अपन यहाँ पर वही सारे फॉर्मूलेस को इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर्स। अब ये जो डेटा दिया वो रॉ डेटा दिया, अपने को कुछ भी टेबलर फॉर्म में नहीं दिया, कुछ भी काउंटिंग नहीं दी हुई है, टू कितने बार आ रहा है, थ्री कितने बार आ रहा है, तो मतलब ये रॉ डेटा दिया हुआ है। तो सबसे पहले रॉ को अपन ट्राई करते हैं कि अपन इसको टेबलर फॉर्म में अरेंज कर सकते, ट्राई करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं यहां पर लिख रहा हूं और इसे मैं टेबल फॉर्मेट में लिख देता हूं, ठीक है, एक्स्ट्रा कॉलम्स बढ़ेंगे तो अपन यहां पे बढ़ाते हुए चलेंगे। सबसे पहले मैं लिखता हूं यहां पर x, x में आई मतलब क्या, जो भी इधर पे डेटा दिया है वो, तो देखो क्या क्या है, टू है, टू के बाद थ्री है, थ्री के बाद फोर, फोर के बाद फाइव सिक्स सेवन एट है, हाँ है नाइन है, टेन नहीं दिख रहा, इलेवन एंड तो यहां पर लिखता हूं टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट इलेवन, सबकी काउंटिंग लिखनी पड़ेगी हमें अच्छे तरीके से, गड़बड़ बिल्कुल भी ना हो, अगर गड़बड़ हो गई तो सब कुछ सारा गेम खत्म हो जाएगा। तो अपन स्टार्टिंग से अच्छे तरीके से लिखेंगे ताकि एक भी मिस्टेक ना होने पाए, अगर एरर हुआ तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। चलो देखते हैं अभी क्या कर सकते हैं, अपन पहला देखते हैं, अपन काउंटिंग ले लेते हैं, सेवन कितने बार आ रहा है, सेवन वन टू और यहाँ पर टू टाइम्स सेवन आ गया, तो सेवन के सामने मैं टू लिख देता हूँ, सही यहाँ तक। उसके बाद इलेवन, दो बार इलेवन आ रहा, दो बार इलेवन यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद इलेवन के बाद क्या है, यहाँ पर टू है, तो टू एक बार यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, टू एक बार हो गया, दो बार, तीन बार टू यहाँ पे आ रहा है, थ्री हो गया, ठीक है। ये अपन क्या निकाल रहे हैं, फ्रिक्वेंसी निकाल रहे हैं, ले जा रहे हैं अपन, ओके। तो ये टू तीन बार हो गया, उसके बाद फोर एक बार है, फोर एक ही बार है, चलो सही जा रहे हैं अपन, नाइन एक बार है, नाइन एक ही बार है, तो नाइन में एक बार, सिक्स एक बार, एक बार, एक बार, मतलब कितने बार हो गए, सिक्स थ्री टाइम्स हो गया, तो सिक्स के इधर पे थ्री टाइम्स, इधर पे कितना दिया हुआ, थ्री एक दो, दो बार थ्री है हमारा, ठीक है। इधर पे क्या बच गया हमारा, फाइव एक बार और कहीं पर फाइव नहीं, फाइव एक ही बार है, एट देख लो कितने बार है, वन टू थ्री, एट कितने बार है, थ्री। अब काउंट कर लेते कितना आ रहा है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन, यहाँ पर काउंट कर लो, थ्री टू फाइव प्लस सिक्स सेवन, सेवन इधर पे सेवन, थ्री टेन ट्वेल्व, ट्वेल्व थ्री फिफ्टीन, वन सिक्सटीन, सिक्सटीन प्लस टू एटीन। तो यहाँ पर हमें समेशन ऑफ एफ आई की वैल्यू मिल गई एटीन, और उसी को अपन एन से भी डिनोट कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में। उसके बाद क्या निकालना है आपको, इसके बाद आपको निकाल लेना है एफ आई एक्स आई निकाल लेना है। सबसे पहला काम क्या निकालेंगे, एफ आई एक्स आई, यानी कि टू थ्री सा सिक्स, थ्री टू सा सिक्स, फोर वन सा फोर, फाइव
वन ज़ा फाइव, सिक्स थ्री ज़ा एटीन, सेवन टू ज़ा फोर्टीन, एट थ्री ज़ा ट्वेंटी फोर, नाइन वन ज़ा नाइन और इलेवन टू ज़ा ट्वेंटी टू। अब इन सारे वैल्यूज को अपने को ऐड करना है। तो सिक्स सिक्स ट्वेल्व, 12 प्लस 4 ये जाएगा 16, 16 प्लस 5 21, 21 में जब 18 दे देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 18, 21 में 18 देता तो 19 और 20 प्लस 19 हो जाएगा 39, 39 प्लस 14 हो जाएगा 39 प्लस 14 43, 53, 53 प्लस 4 हो जाएगा 57, 57 प्लस 20 77, 77 में 9 ऐड करेंगे तो एक कम यानी कि 86, 86 में 22 अगर ऐड करता हूँ तो 86 प्लस 22 हो जाएगा 86 प्लस 22 88, 88 प्लस 20 हो जाएगा 108, तो हमें यहां पर मिल गया 108। ये किसकी वैल्यू मिल गई? ये मिल गई हम लोग को समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। ठीक है, यहां से डन। सबसे पहले मैं निकालूंगा यहां पर एक्स बार निकालूंगा। तो एक्स बार आप लोग को पता है क्या होता है? समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना हमारे पास? 108। और समेशन ऑफ एफ आई हमारे पास कितना? 18। 18 के टेबल में कितने बार में आएगा? 6। तो एक्स बार की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 6। अब एक्स बार आ गया हमारे पास तो हम लोग बढ़ेंगे आगे। हमें क्या निकालना है? वेरिएंस निकालना। वेरिएंस का फॉर्मूला अगर मैं आप लोग को याद दिलाने की कोशिश करूँ तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं। अब सीन्स हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी है, तो फॉर्मूला कौन सा है? फ्रीक्वेंसी वाला। क्या है? समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का स्क्वायर अपॉन में एन माइनस समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में एन का होल स्क्वायर, एंड दिस इज नथिंग बट फ्रिक्वेंसी, दिस इज नथिंग बट मीन। और मीन अपन ने यहाँ पर निकाल लिया। पर ये निकालने की जरूरत है हम लोग को। तो ये कैसे निकालेंगे? सबसे पहले निकालेंगे एक्स आई का स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर यानी कि 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 11 का हो जाएगा 121। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर मल्टीप्लाई करके वैल्यूज निकालना है। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे? एफ आई एक्स आई का स्क्वायर। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 4 थ्री ज़ा 12 हो जाएगा, 9 टू ज़ा 18, 16 वन ज़ा 16, 25 वन ज़ा 25, 36 थ्री ज़ा 108, 49 टू ज़ा 98, 64 थ्री ज़ा कितना हो जाएगा? 128। 128 में 16 182, एक बार चेक कर लेता हूँ। 64 को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से तो 6 18 और 92 हो जाएगा, 192 हो जाएगा। ओके, 81 वन से 81 और 121 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 242 हो जाएगा। ठीक है, अब सारे को ऐड करना है। तो ऐड करते बैठेंगे तो बहुत एरर हो सकता है, तो मैं एक काम करता हूँ कैलकुलेटर यहाँ पर निकाल लेता हूँ। ये रहा मेरा यहाँ पर कैलकुलेटर, ताकि आप लोग प्रॉपरली ऐड कर लेना। अब यहाँ पर दोस्तों बोर्ड पे गलतियाँ नहीं हो, मतलब क्या इस बोर्ड पर गलती ना हो, इसको मैं करेक्ट करने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल 12 प्लस 18 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 12 18 16 25 108 प्लस 98 प्लस कितना है? ये है हमारे पास 192, ये 182 आना चाहिए था, राइट? 64 मल्टीप्लाई बाय 6 18 18 18 बराबर 192 प्लस 192। ओके, ये सही जा रहे हैं अपन। 192 के बाद प्लस 81 और लास्ट में आ जाएगा हमारा 242। कितना आ गया? 792। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का स्क्वायर जो आया हुआ है वो 792 आ गया। सही है, बस इस फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो इसकी वैल्यू आ गई 792, इसकी एन की वैल्यू कितनी? 18। इसकी वैल्यू है 6 इसका स्क्वायर। अब 18 के टेबल में इसको डिवाइड कर देते हैं। 18 के टेबल में इसको इक्वल टू करता हूँ, डिवाइड बाय 18 करता हूँ, कितना आ गया? 44। यहाँ लिखता हूँ 44, यहाँ लिखता हूँ 36, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बच जाएगा 8। दैट इज द वैल्यू ऑफ वेरियंस ऑफ एक्स। चलो, वेरियंस ऑफ एक्स तो मिल गया। अब मुझे पता है वेरियंस ऑफ एक्स इज नथिंग बट सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 8। देयरफॉर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? सिग्मा होगा। वो क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स होता है। वो क्या जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 8 हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट ऑफ 8 निकालना है तो बहुत सिंपल, इसे दो पार्ट में तोड़ दूंगा मैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 का स्क्वायर रूट 2 और 2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 1.414। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2.8288 हमारा क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। किसकी वैल्यू आ गई? ये स्टैंडर्ड डेविएशन की, जो हम लोग को यहाँ पर फाइंड आउट करना था। सिंपल क्वेश्चन था। तो जब भी अपने को फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में डेटा दिया होगा तो अपन इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। अब रिपीट नहीं हो रही है मतलब हम लोग को इसको टेबुलर फॉर्मेट में अरेंज करने की जरूरत तो है, बट कैसे अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे।
ठीक है, थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, इसलिए मैं करवा कर दे रहा हूँ क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखना। सबसे पहला काम क्या होगा, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लूंगा, ठीक है। तो डेटास पे ध्यान दो, डेटा क्या है मेरे पास, सबसे पहला है मैं लिखूंगा यहाँ पे एक्स आई। एक्स आई मेरे पास क्या क्या है देखो, ध्यान देना, सबसे छोटी वैल्यू है 65, 77, 81, 98, ओके 65, 77, 80, 65, 77, 80, उसके बाद क्या दिया हुआ है 81, 98, 100, 81, 98, क्या था 98 और 100, 129, 100 और 129, ऐसे करके हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा, अगर वेरिएंस निकालना है तो यहां पर हम लोग को फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है। जब भी रॉ डेटा में फ्रीक्वेंसी नहीं दी होती है तो अपन कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये वाला, ठीक है। अदरवाइज ये वाला भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे एक्स बार का स्क्वायर, तो मैं सबसे पहले निकाल लेता हूँ एक्स बार का स्क्वायर निकाल लेता हूँ। तो एक्स बार निकालना पड़ेगा उसके लिए, तो सबसे पहले एक्स बार क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। अब यहां पर देखेंगे तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ही नंबर है, तो नीचे आ जाएगा 7 और इनका समेशन ऑफ एक्स आई निकालना पड़ेगा, जो भी डेटा दिया हो उसका समेशन निकाल लो। अब यहाँ पर 65 प्लस 77 प्लस 80, 81, 98, 100 एंड 129, इन सभी को मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो इसको अगर मैं ऐड करके डिवाइड बाय एन कर दूंगा, जो अपन ने 8th स्टैंडर्ड में मीन निकालना सीखा था वही मेथड से करेंगे। 65 प्लस 77 प्लस 80 प्लस 81 प्लस 98 प्लस 100 प्लस 129, कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितना आ गया दोस्तों, ये हो गया 630। अब ये यहां पर लिखूंगा समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन में एन, तो एक्स आई की वैल्यू कितनी 630 और एन की वैल्यू कितनी 7, कितना आ जाएगा 90। तो इसको डिवाइड करूंगा डिवाइड बाय 7, कितना आ गया 90, तो एक्स बार की वैल्यू आ गया 90। तो ज्यादा इजी करना है तो यहां पर निकालो एक्स आई माइनस एक्स बार निकाल लो, तो एक्स आई माइनस एक्स बार हमें पता है एक्स आई की वैल्यू कितनी है 65, एक्स बार कितना 90, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 65 माइनस 90 हो जाएगा माइनस 25, इसे माइनस करूंगा तो यहाँ बचेगा माइनस 13, ओके यहाँ माइनस करूंगा तो बचेगा माइनस 10, माइनस 9, 8, उसके बाद 10 और यहाँ पर बचेगा मेरे पास 39, सही है यहां तक। अब यहां पर निकालेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकालेंगे, यहां पे लिखूंगा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर 625, 13 का स्क्वायर 169, 10 का स्क्वायर 100, 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, ये अगेन 100, ओके यहां पर 39 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। यहां पर 39 मल्टीप्लाई बाय 39 करते हैं, कितना हो जाएगा 1521। अब सबको ऐड करते हैं, तो 1521 प्लस 100 प्लस 100 के बाद 64 प्लस 81 प्लस 100 उसके बाद 169 और फाइनली मिल जाएगा 625। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितना हो गया 2660। तो ये हो गया समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, कितना आ गया 2660। अब हमें निकालना है इस केस में वेरिएंस, तो वेरिएंस का फॉर्मूला हमें पता है, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है सिंपल सी बात है, यहाँ पर 1 अपॉन एन समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर की वैल्यू कितनी है कि 2660, एन की वैल्यू कितनी हमारे पास है 7, तो 2660 डिवाइडेड बाय 7, अब जो भी वैल्यू है इसको डिवाइड बाय 7 कर देते कितना आएगा 380, तो यहाँ पर लिखता हूँ 380, तो ये वाली वैल्यू होगी वेरियंस ऑफ एक्स की, ठीक है। अब हम लोग निकाल लेते हैं हमारा क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, सिग्मा होता है, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। वेरिएंस ऑफ एक्स का स्क्वायर रूट निकालो, 380 का स्क्वायर रूट निकाल लो। अब 380 का स्क्वायर रूट निकालना तो ईजी होता है, आप लोग को ना एक एक ट्रिक सिखाना चाहूंगा यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालने का। अगर आप लोग को पता होगा एक एक मेथड होता है स्क्वायर रूट निकालने का, तो सिंपल सा अगर ये याद रखें एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल्स टू वॉट, एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। अब इसे रिप्लेस करते देखो, यहाँ पर लिखता हूँ रूट एक्स जो भी रहेगा इधर, एफ ऑफ मतलब क्या, अगर मान लो कि एक नंबर है आपके पास, मान लो कि एक नंबर है जिसका रूट आप लोग को निकालने नहीं आ रहा है, तो उसको अपने दो पार्ट में तोड़ा हुआ जिसमें एक ए है और एक एच है, तो रूट ऑफ ए प्लस एच इंटू वन अपॉन टू रूट ऑफ ए। अब मान लो कि हमारे पास ए जो है ना वो क्या, अब इसके नियरेस्ट स्क्वायर नंबर देखो कौन सा है,
फाइव का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, वो छोटा हो जाएगा, 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर देख लो, 17 मल्टी छोटा ही होने वाला है, 18 का देख लो 324 होगा, 18 के बाद 19 देख लो कितना हो जाएगा 361 इसके करीब है। तो इसे अगर मैं देखूंगा तो दो पार्ट में तोड़ सकता हूँ, तो यहाँ पर 361 को मैं तोड़ूंगा, 361 प्लस 19 में तोड़ दूंगा, बराबर है। तो यहाँ पर सिंपली अगर देखेंगे तो ये पॉइंट में कुछ से बड़ा सा आएगा, अगर अगर आप लोग को इसको नहीं निकालना है तो कोई बात नहीं, बस ये फॉर्मूला याद रख लो, ये फॉर्मूला कभी कभी काम आ जाता है, रूट ऑफ ए प्लस एच इंटू वन अपन रूट ऑफ ए, किसका वैल्यू होता है, रूट के अंदर कोई भी नंबर रहेगा उसको दो पार्ट में तोड़ने के बाद ये फॉर्मूला आप लोग इस्तेमाल करके स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 380, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देता है, एग्जैक्टली वैल्यू नहीं देता, तो रूट के अंदर 380 आपकी इसकी वैल्यू आने वाली, आप लोग चाहे तो आगे सॉल्व करके वैल्यूज निकाल सकते हैं, इधर तक छोटा तो भी चल जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन इजी था, चलो थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये भी बहुत सिंपल है। पहला काम क्या होगा, देखो जैसे पहला क्वेश्चन के देख सबसे पहला वाला इसी तरीके से इसे करेंगे, पहला काम ये होगा कि इसको अरेंज कर लो आप लोग वर्टिकल फॉर्मेट में, तो मैं फटाफट से इसे वर्टिकल फॉर्मेट में अरेंज कर लेता हूँ, ये मेरा एक्स आई, ये मेरा एफ आई, ये मेरा एफ आई एक्स आई, ये मेरा एक्स आई का स्क्वायर और ये मेरा एफ आई एक्स आई का स्क्वायर, बस मेरे को पता है मेरे कितने कॉलम्स आने वाले हैं, पहला क्या आएगा एक्स आई, फिर आएगा एफ आई, फिर आएगा एक्स आई एफ आई, इतना तो आता है, यहाँ पे एक्स आई का स्क्वायर ले लो और यहाँ पे एक्स आई एफ आई, एक्स आई का स्क्वायर एफ आई, ऐसे करके भी लिख सकते हो, एफ आई एक्स आई का स्क्वायर जैसे आपको लिखना है वैसे लिख लो। तो यहाँ पर क्या 2, 4, 6, 8 और 10 है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 के बाद एफ आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, 4, 3, 2 और 1 है, 5, अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा 10, 4, 4 जा 16, 6, 3 जा 18, 2, 16 और ये हो जाएगा 10, 1 जा 10, अब एक्स आई का स्क्वायर निकलता है 2 का स्क्वायर 4, 4 का 16, 6 का 36, 8 का 64 एंड 10 का कितना हो जाएगा 100, अब नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो जाएगा 40, 16, 16 जा हो जाएगा 256, ठीक है, आगे बढ़ते 18 मल्टीप्लाई बाय 36 तो 18 दूनी 36, 18 सा होता है 324 का डबल करेंगे तो 648, यहाँ पे कितना आ जाएगा 648, 64 मल्टीप्लाई बाय 16 तो 16 मल्टीप्लाई बाय 16 256 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1024 हो जाएगा और 100 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 1000, एक बार चेक करने में क्या दिक्कत है, तो अपन फटाफट से कैलकुलेटर निकाल के चेक कर लेते हैं वैल्यूज को, ये हो जाएगा 40, सिंपल था 16 मल्टीप्लाई बाय 16 256 हो जाएगा, सॉरी ओके हाँ देखा एरर हुआ, यहाँ पर हमें किससे मल्टीप्लाई करना था, एक्स आई के स्क्वायर को एफ आई के साथ, तो एफ आई क्या है यहाँ पर 40 को, यही गड़बड़ एग्जाम में भी होती है, थोड़ा सा घाई के चक्कर में यहाँ पर छोटी छोटी एरर कर देते हैं, जैसे देखो एक्स आई को मल्टीप्लाई करना था इसके साथ तो कितना होगा दोस्तों आप लोग ही बताओ, 5, 4, 20 हो जाएगा, 16, 4, 64, 36 मल्टीप्लाई बाय 3, 108, 64 मल्टीप्लाई बाय 2, 120, 100 मल्टीप्लाई बाय 100, अब यहाँ पे हम लोग को सारी वैल्यूज को लिखना है, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखूंगा सबसे पहले समेशन ऑफ एफ आई दैट इज इक्वल टू एन, वही एन भी होता है, ऐड कर लेते हैं 5 + 4, 9 + 3, 12 + 3 कितना हो जाएगा 12 + 3, 13, 12 + 3, 15 हो जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पर निकालते हैं समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, इसकी वैल्यू क्या आएगी, चलो फटाफट से इसे भी देख लेते हैं, ये जगह 26 + 18 करेंगे तो 8 से 24, 34 हो गया, 44 + 16 करेंगे तो हो जाएगा 60 + 10 करेंगे तो हो जाएगा 70, तो देख लेते 70 आ रहेगा, 10 + 16 + 18 + 16 + 10 कितना 70, परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे जाएंगे तो एक्स आई का स्क्वायर ये निकालने की जरूरत नहीं, ये निकालना समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, इसे सॉल्व करते हैं 100 228 + 328 + 328 = 336 में 4 देंगे तो हो जाएगा 340 + 60 हो जाएगा 420 टोटल आंसर आने वाला, चेक कर लेते हैं 20 + 64 + 108 + 128 एंड लास्ट में हो जाएगा 100, कितना क्या 420, परफेक्ट मैंने बोला ना 420 आ जाए, ये मिल गया मुझे मेरे सारे डेटा का सब कुछ मिल चुका हुआ, अब मैं सबसे पहले निकाल लेता हूँ एक्स बार निकाल लेता हूँ, तो हो जाएगा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, एक्स आई अपन समेशन ऑफ एफ आई, समेशन ऑफ एक्स आई कितना है मेरे पास 70 / 15, ये मेरी वैल्यू आ जाए, ठीक है, अब चाहिए तो आप लोग इसको पॉइंट में निकाल लें, अदरवाइज वैसे ही रखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं एक्स आई, उसके बाद क्या निकालना है हमें वेरियंस ऑफ एक्स निकालना है, वेरियंस ऑफ एक्स क्या होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का स्क्वायर अपॉन में एन, यानी समेशन ऑफ एफ आई माइनस समेशन ऑफ एफ आई
एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई का होल स्क्वायर। सिंपल तरीका है ऐसे, लेकिन तो ज्यादा अच्छे तरीके से याद होता है। एक बार एक्स आई का स्क्वायर, एक बार एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई का होल स्क्वायर। अब ये हमें पता है ये कितना है वैल्यू, ये हमारे पास है 420, डिवाइड करेंगे हम लोग 15 के साथ, माइनस इसकी वैल्यू कितनी 70 अपॉन 15 का स्क्वायर। 420 अपॉन 15 अगर इसे सॉल्व करना चाहते हो आप कर सकते हो, अदरवाइज रुक जाएंगे तो भी चलेगा। 420 अपॉन 15 इसको मल्टीप्लाई कर लो 15 से। क्यों ऐसे किया, नीचे बेस सेम करने के लिए 15 225, और चाहे तो थोड़ा कैंसिल कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ पर अगर मैं देखूँ जरा ध्यान से, ये ना 5 के टेबल में 5 3 हो जाएगा, और 5 के टेबल में कितने बार में आता है 14 सा, इसको 14 अपॉन 3 भी मैं यहाँ पर पुट कर सकता था, ताकि मैं थोड़ा कैलकुलेशन को थोड़ा ईजी बना सकूँ। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा 14 अपॉन 3 लिख दूंगा। अब क्या, अब यहाँ पर भी सेम 5 के टेबल में कैंसिल करूँ 5 3 15, और 5 के टेबल में कैंसिल करूँगा 5 8 40, 5 4 20, 84 आ जाएगा। अब कोई कॉमन टेबल में डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो 3 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो 84 मल्टीप्लाई बाय 3, नीचे मल्टीप्लाई करूँगा तो 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा 14 का 196 अपॉन में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब कर लेते हैं फटाफट से, 84 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 8 3 24, 24 हो गया 240 प्लस 12 252, यहाँ पर 252 माइनस 196 अपॉन में 9, अब ट्रैक कर लो 252 माइनस इधर पे करेंगे तो यहाँ पर बचेगा मेरे पास 1 12 12 में से जाएगा तो बचेगा 6 4 4 में से नहीं जाएगा, 14 में से 9 जाता है, 24 में से 19 जाएगा तो बचेगा 5 56 अपॉन में 9। ठीक है, ये हो गया वेरियंस ऑफ एक्स। आप लोग चाहते हो पॉइंट में निकाल सकते हैं जैसे आपकी इच्छा, तो निकाल लेते हैं पॉइंट में क्या दिक्कत है। तो 9 के टेबल में 54 आता है 6 बार में, 6 पॉइंट कितना बचेगा 20, और 9 2 18, 2 2 2 2 चलता चला जाएगा, ये आ गया हमारा वैल्यू जो कि वेरियंस ऑफ एक्स। वेरियंस मिलने के बाद अपन क्या निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता है वो क्या होता है, सिग्मा, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस ऑफ एक्स, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 6.222। अभी अगर इसकी वैल्यू आप लोग को निकालनी है तो आप लोग को ने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था डिवीजन मेथड, फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर बाय डिवीजन मेथड, तो आप लोग इसका इस्तेमाल करके इसे सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हो, तो डेफिनेटली आप लोग को आ जाएगा। अब एक और क्वेश्चन की बात करते हैं जो नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम फंडा अप्लाई करना है, सब कुछ सेम वही करना है। क्या करेंगे अपन, सबसे पहले एक हमारा प्यारा सा टेबल ड्रॉ कर लेंगे। टेबल ड्रॉ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले एक्स आई लिखेंगे, यहाँ पर एफ आई लिखेंगे, यहाँ पर एफ आई एक्स आई लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर एक्स आई का स्क्वायर, और फाइनली अपन लास्ट में क्या लिख देंगे, एफ आई एक्स आई का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखता हूँ एक्स आई एफ आई एक्स आई एफ आई, यहाँ पर एक्स आई का स्क्वायर, यहाँ पर एफ आई एक्स आई का, एफ आई एक्स आई होल स्क्वायर, सिर्फ एक्स आई का स्क्वायर। वैल्यूज लिखता हूँ यहाँ पर 1 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ, 5 दिया हुआ है, 7 और 9 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी क्या दी वो भी लिख लेता हूँ, 5 10 20 10 और 5। 5 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करूँ 5, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 5 20 करेंगे तो 100 हो जाएगा, इसे लिख दूंगा 70 और 9 5 45। सिंपल था यहाँ तक, अब जितना कर लिया उतना तो कर लेता हूँ मैं पहले। यहाँ पर लिखता हूँ समेशन ऑफ, यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, यहाँ पे लिखूंगा समेशन ऑफ एफ आई, जिसको अपन एन बी बोलते हैं। तो अब यहाँ ऐड कर लेते हैं, तो 10 प्लस 5 15 हो जाएगा, 15 35 35 प्लस 10 हो जाएगा 45 प्लस 5 50, तो यहाँ पर 50 दे दिया हुआ, 15 15 30 प्लस 20 50, परफेक्ट। यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 35 135 135 प्लस 70 करेंगे तो 205 205 में जब अगर 45 ऐड करते तो 250 हो जाएगा। तो हम लोग अगर एक्स बार निकालेंगे ना समेशन ऑफ एफ आई एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ आई के फॉर्मूले से, तो हमें मिल जाएगा 250 अपॉन में 50, यानी कि सिर्फ 5। तो हमें x बार मिल गया 5। अब मालूम है x बार x i का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3 का 9, 9 का 5 का 25, 7 का 49 और 9 का 81। अब इसे मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी के साथ, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 90, 25 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 500, ये हो जाएगा 490 और 81 मल्टीप्लाई बाय 5 सपोज मैं करता हूँ तो 81 मल्टीप्लाई बाय 10 करूँगा तो 810 डिवाइडेड बाय 2 करूँगा तो 405, यहाँ पर कितना मिल जाएगा 405। अब सभी को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 410, इसको दूंगा अगर इसमें तो ये हो जाएगा 410, इसको ऐड करूँगा इसमें तो ये हो जाएगा 900 प्लस 500 करेंगे तो हो जाएगा 1400 प्लस 90, तो यानी 1490 आंसर आने वाला, चेक कर लेते हैं फटाफट से। तो ये होगा 90 प्लस 500 प्लस 490 और यहाँ पर मिलेगा हमें 405, कितना मिल गया 1490, मैंने जो बोला था वही आया। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का स्क्वायर अपॉन कितना मिल गया हम लोग को 1490, ये वैल्यू मिल गई हमें हमारे समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर की। हमें निकालना क्या है,
हमें निकालना है हमारा वेरियंस। वेरियंस क्या होता है, बहुत सिंपल, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ एफ आई माइनस समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन माइनस समेशन ऑफ एफ आई इसका होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू ऊपर वाले की है हमारे पास 1490, इसको वैसे ही लिखता हूँ। नीचे आ जाऊंगा स्क्वायर रूट ऑफ एफ आई, एफ आई एफ आई एफ आई एफ आई रहा 50, यहाँ पे लिखता हूँ 50 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 और उसका स्क्वायर जीरो कैंसिल। अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ इस चीज को, देखो 5 के टेबल में 29 मतलब 29 से 145 तो 29.10 मतलब 2 सा तो 29.2 आ जाएगा। चेक कर लेते हैं एक बार, 5 2 सा 10 49 5 9 सा 45 4 पॉइंट और कितना आ जाएगा 5 9 सा 45 आ जाएगा, तो यहाँ पर 8 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं एक बार फिर से, 5 1 सा 5 2 सा 10 2 सा 10 हो जाएगा 4 9 49 5 9 सा 40 45 4 0 4 0 मतलब 8 सा, तो यहाँ पर मिल जाएगा 25। सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 4.8 मुझे क्या मिल जाएगा वेरियंस ऑफ एक्स। अब वेरियंस ऑफ एक्स मेरे सामने है, मुझे क्या निकालना है साथ ही साथ क्वेश्चन में देखो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, वो क्या होता है सिग्मा यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ 4.8। अगर मैं इसको दो पार्ट में तोड़ूं तो 16 कम 16 16 32 16 43 यानी 16 × 0.3 होता है, बराबर है। 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा, 0.3 का स्क्वायर रूट मुझे आता नहीं है तो मैं इसे ऐसे भी छोड़ूंगा तो भी चल जाएगा। और अदरवाइज आप लोग 0.3 का स्क्वायर रूट पॉइंट में निकाले उसके बाद सॉल्व करें, आप लोग को डेफिनेटली आंसर मिलेगा, लेकिन उसमें इतना दिमाग लगाने से अच्छा डायरेक्टली इसी तरीके से आप लोग कर लो। तो होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते, 4 क्वेश्चन इनफ है आज के लिए। ट्राई करना, अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह गया रहेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, अदरवाइज इंस्टाग्राम पे मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, होप ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गए रहेंगे, बेसिक से क्वेश्चन थे, बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे, फॉर्मुलेज आप लोग को अप्लाई करना सिखा दिया मैंने। आगे वाले क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना, अगर आए तो अच्छी बात, नहीं है तो अगली वीडियो में मैं सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। तब तक के लिए क्या करना है आप लोगों को, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।